चार वीडियो बनाने से ना ही टिकटॉक को गिराया गया और ना ही सात वीडियो बना के तुम फ्री फायर को वापस ला सकते हो। तो पहले तो मेरे पोलूचंद में तुमको एक चीज बता दूं कि ना ही ये टिकटॉक है और हाँ ध्यान से सुन ले, ना ही तू कैरी है। सोचो यार, एक फैक्ट्री है जो कि एक अच्छे तरीके से कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, फिर बनाता है और वो कस्टमर को हद से ज्यादा पसंद आता है, बट उसके ऑनर के एकदम से मूड ना खिसकता है या मूड बदल जाता है और वो बनाना बंद कर देता है उस प्रोडक्ट को, या बोलता है कि मैं बनाऊंगा तो इंडिया में डिलीवर नहीं करूंगा या फिर इंडिया के कस्टमर को मैं ये चीजें नहीं देने वाला। तो इधर पे कस्टमर क्या करेगा, ऑफ कोर्स यार उस प्रोडक्ट को छोड़ देगा, उधर पे बहस थोड़ी करने जाएगा। तो अगर आज की इस नई वीडियो के अंदर तुम सभी लोग तो तुम लोग सोच रहे हो कि आज की फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो के अंदर मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूं, तो ये कहानी हमारे जान से प्यारा प्रोडक्ट फ्री फायर इंडिया की। बात करते हैं उन चूतियों की जो सोचते हैं कि फ्री फायर को हम लोग फोर्स करके ला सकते हो। तो अरे मेरे पोलू राम, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वो जो लोग फोर्स करके लाने की बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे, अपना नेम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि कैरी ने किया था टिकटॉक को गिरा के। मतलब कि कैरी ने टिकटॉक को नहीं गिरा था, टिकटॉक जो बैन हुआ था वो डाटा शेयर की वजह से हुआ था, बट सिंपैथी कैरी की, टिकटॉक गिराया मैंने टिकटॉक। चार वीडियो बनाने से ना ही टिकटॉक को गिराया गया और ना ही सात वीडियो बना के तुम फ्री फायर को वापस ला सकते हो। तो चलो बात को घुमाना बंद करते हैं एंड सीधा बात करते हैं अपने फ्री फायर इंडिया बेबी वॉरियर के बारे में। हाँ, TXG ऋतिक। पहले तो मेरे पोलूचंद में तुमको एक चीज बता दूं कि ना ही ये टिकटॉक है और हाँ ध्यान से सुन ले, ना ही तू कैरी है। रही बात अच्छे काम होगी तो हम सब आपके साथ है, नाम कोई भी ले भाई, हमको मतलब नहीं है, बस हमें चाहिए फ्री फायर इंडिया एंड इंडिया में ई स्पोर्ट। तुम लोगों को पहले ही बता दूं पॉपकॉर्न वगैरह लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ही लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फोर टॉपिक्स के बारे में और लास्ट में रहने वाला है एक बोनस बहुत तगड़ा वाला, जिसमें मैं दिखाने वाला हूं तुम लोग को एक ऐसा ऑफिशियली स्क्रीनशॉट फ्री फायर का, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ फ्री फायर, अब कॉस्टली फ्री फायर इंडिया हमारे इंडिया पे बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो बात कर लेते हो टॉपिक की, तो पहला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है हम लोग का नो टॉप अप, दूसरा रहने वाला है फ्री फायर रेटिंग एंड तीसरा रहने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्री फायर इंप्लाइज और चौथा फ्री फायर लोकल टूर्नामेंट इन इंडिया। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना काली शक्तियों का प्रयोग किए। टॉपिक नंबर वन हमारा जो होने वाला है नो टॉप अप। भाई मैं खुद ही 1.5 साल से खुद चिल्ला रहा हूँ कि प्लीज यार टॉप अप मत करो, बट नहीं पता नहीं अपने बाप की प्रॉपर्टी को दूसरे को देकर एक एनिमेशन के लिए दूसरे के बाप को अपना बाप बनाने की क्या जरूरत है। तो कुछ लोग बोलेंगे ऋतिक भाई भी तो वही कह रहे थे, भाई मैं अभी उनके साथ हूँ एंड एग्री करता हूँ इस बात से, बट मेरे को आंसर दो यार कि जब वी वेज था तब कहाँ चले गए थे नो टॉप अप इवेंट चलाने वाले वॉरियर्स के गुड़। आखिरकार हाँ, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे वी वेज नाम की टट्टी जो गरेना ने भर रखी थी। पर छोड़ो, देर आए पर दुरुस्त आए, तुम आ चुके हो एक अच्छी लाइन पे, तो सभी लोग इस बंदे को इस टॉपिक के लिए सपोर्ट करो और प्लीज यार टॉप अप करना बंद ही कर दो। और हाँ, गेम आए या ना आए तुम्हें टॉप अप नहीं करना है। बात करते हैं टॉपिक नंबर टू फ्री फायर रेटिंग। देखो भाई, किसी को औकात दिखाना तो उसका रेटिंग गिरा दो, बट फ्री फायर के साथ ऐसा सीन नहीं है मामू, थोड़ा सा सतर्क रहना क्योंकि ये पहले भी एक स्कैम कर चुका है। हाँ, एक्टिव यूजर स्कैम, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि तुम लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर चैनल के अंदर भी जाके तुम लोग देख सकते हो। फ्री फायर रेटिंग नाउ, अगर फ्री फायर को औकात दिखानी तो हम आपके साथ है ऋतिक भाई, और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू भाई, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दो और जाओ यार यहाँ पे प्ले स्टोर पे और जाके 1 स्टार की रेटिंग दे के आओ और वहां पे लिखो आई नीड फ्री फायर अदरवाइज आई अनइंस्टॉल फ्री फायर मैक्स। पर ऋतिक भाई फ्री फायर अभी नहीं बैन हुआ है सर, आप बहुत पहले से यूट्यूब पे। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरा चैनल खड़े करने का तरीका बहुत अच्छा है, बट एक चीज बता दो, फ्री फायर इंडिया 100% आने वाला है और हाँ ये भी एक कारण हो सकता है ऋतिक भाई के 7D का ये वीडियो वगैरह डालेगा, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छी बात है, पहले से पता चल गया कि फ्री फायर आने वाला है तो एक वीडियो में व्यू कमाने से अच्छा है मैं अपना नाम ही खड़ा कर लूँ, क्योंकि अगर फ्री फायर आएगा और मैं पहले से ये सब चलाता रहूंगा तो ऑब्वियसली मेरा नाम हो जाएगा कि फ्री फायर मैं लेके आऊँ, जैसे कि मैंने कैरी वाला रोल तुमको बताया था। फ्री फायर इंप्लॉयर TXG ऋतिक भैया, ये तो वही बात होगी ना कि कोई पत्नी चाहे कि उसकी सुहागरात से पहले उसके पति की डेथ हो जाए, या फिर चैनल मोनेटाइज होते ही 3 स्ट्राइक पड़ जाए, या फिर सरकारी नौकरी मिलते ही किसी की डेथ हो जाए। मान्यवर, आपने खुद ही बोला कि फ्री फायर के इम्प्लॉय चाहते हैं कि फ्री फायर ना आए और उनका बस चलेगा तो फ्री फायर को नहीं लाने देंगे। तो मैं तुम लोग को पहले बता दूं, फ्री फायर इंडिया जब आएगा ना तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा इंप्लॉयज का ही है। तुम बोलोगे कैसे, भाई स्टार्टिंग वाली स्टोरी को कंटिन्यू रखता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो अगर मार्केट में ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनियां उसको जल्दी बनाएंगी, और कंपनियां बनाती जैसे मार्केट में भेजेंगी तो जल्दी सेल होगा, तो यहाँ पे ऑनर का मोटा प्रॉफिट होगा, और जैसे ही ऑनर का मोटा प्रॉफिट होगा तो इंप्लॉयज करोड़पति। आई होप तुम लोग समझ गए होगे यार, ये बात तो सीधी सीधी गलत है कि इंप्लॉयज चाहते हैं कि FF इंडिया ना आए, और तुम लोग अपनी ग्राइंडिंग चालू रखो, 100% फ्री फायर इंडिया अपने इंडिया पे आएगा और हम लोग ई स्पोर्ट की ट्रॉफी भी अपने इंडिया पे लेके आने वाले हैं।
ऋतिक भाई साफ साफ आपसे बात है कि आप फ्री फायर के जो ईस्पोर्ट प्लेयर्स है, जो ईस्पोर्ट का सपना रखते हैं, उनको डर आ रहे हो कि फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा, आप लोग ग्राइंडिंग अपनी बंद कर दो। भाई मैं तुम लोग पहले बता रहा हूँ, फ्री फायर मत छोड़ना, जो भी गेम है उसको चालू रखो, अदरवाइज बहुत ज्यादा पछता हो गया। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि फ्री फायर में ग्राइंडिंग अपनी चालू रखो और जल्दी ही फ्री फायर देखने को मिलने वाला है। बाकी स्क्रीन तुम लोग को लास्ट में मैं दूंगा, जिससे तुम लोग को प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई फ्री फायर इंडिया आने वाला है 100%। नंबर 4, लोकल टूर्नामेंट इन इंडिया। पहले तो मैं इस चिंट चूतियों को बताना चाहूंगा कि तुम लोग इन्फॉर्मेशन दो, डीमोटिवेशन नहीं। और हाँ, क्या बोलो, फ्री फायर इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स को, जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करता। आई नीड प्रूफ ब्रो, बट तुम तो दे नहीं पाओगे, बट मैं बताता हूँ कि हाँ करता है और उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। कोई ऑफिशियली प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट वेट कर लो, तुम लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई करता है। फ्री फायर के अंदर ऑफिशियली रेड कार्ड होते हैं, जिसको रेड कस्टम भी कहते हैं, जिससे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ऑफिशियली तरीके से, जो कि नॉर्मल बंदों को नहीं मिलते हैं। अगर अदरवाइज मेरे को मिल रहे होते तो मैं भी टूर्नामेंट करा रहा होता, बट वो फ्री फायर केवल और केवल ऑफिशियली बंदों को देता है, जो कि फ्री फायर में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, टूर्नामेंट्स करा सके। तो गाइज, अगर फ्री फायर वो कस्टम नहीं होगा तो टूर्नामेंट नहीं होगा, तो अगर फ्री फायर वो कस्टम दे रहे हो तो 100% वो सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, तुम लोग को ही पता है। अब तुम लोग बताओ, फ्री फायर सपोर्ट करता है टूर्नामेंट्स को या नहीं करता, तुम लोग खुद बता देना। लाइक देन यहाँ पे नॉन स्टॉप भाई के टूर्नामेंट तुम लोग देखते होगे, वो सब फ्री फायर के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता मेरे भैया। और हाँ, शायद से फ्री फायर इन लोगों के लिए, जो अपने फ्री फायर के क्रिएटर नॉन स्टॉप भाई है, वो सिंगापुर से हो, मेरे लिए तो इंडिया से है, तो इसका मतलब इंडिया में सपोर्ट हो रहा है। सर जी, एट लास्ट मैं तुम लोग को ये स्क्रीन शॉट दिखाना चाहता हूँ, जो मैं तुम लोग को बताने वाला था कि बहुत ही तगड़ी चीज बताने वाला हूँ फ्री फायर इंडिया के लिए। ये स्क्रीन शॉट का मिस्ट्री जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और तुम लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी इधर पे बैठे हो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स ईस्पोर्ट में ग्राइंड करना बंद कर चुके थे, या वो लोग सोच चुके थे कि भाई अब हम लोग ईस्पोर्ट में नहीं जा पाएंगे, या ईस्पोर्ट इंडिया नहीं आएगा, या फिर फ्री फायर छोड़ने की तुमसे बातें कर रहे थे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर नहीं भी कर रहे थे तो भी शेयर कर देना, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर मन में बातें चल रही होंगी, तुम लोग को नहीं बोलेगा, तो ये वीडियो जरूर अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, जिनको तुम खोना नहीं चाहते और ईस्पोर्ट के अंदर लेके जाना चाहते हो। चलो बाय बाय, चलता हूँ, तुम लोग जाओ अपना ग्राइंडिंग लेवल बढ़ाओ, और मैं जाता हूँ ये काली मिस्ट्री को सफेद करने।